प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साही गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतल उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमरे सिद्ध होई ही गण नायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषिदाता सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूज आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अदारा ध्यावे शेष 88 उतरे बौद्धल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88 उतरे बौद्धल पारा कट है यम की फांसी। सत साही कर जोरों विनती करूं डरों चरण पर शीश गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम
गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चोवा जाऊं, तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो त्यो ही रहूं, जो देवो सुखूं। जय इब कै सत गुरु मिले, सब दुख आखों रोए, चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी होए। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुसलात, आज अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाही। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, इनके हृदय समा। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो सबर। सुरत करो मम साईया, हम हैं भव जल माई, आपे ही बह जावांगे, जो तुम न पकड़ोगे बाँह। हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमरी दौड़, जैसे कागज हाज का, अब तक न दूजी ठोरे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहिब जी की असीम कृपा से हम सभी प्राणी परमात्मा की अमृतवाणी सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। जिन पुण्यात्माओं पर परमेश्वर की विशेष रजा होती है, वो मानव शरीर प्राप्त करते हैं, और मानव शरीर प्राप्त करके भी जो और विशेष कृपा पात्र होते हैं परमेश्वर के, वही पुण्यात्माएं सत्संग प्राप्त करती हैं। परमेश्वर अपनी अमृतवाणी में बोलते हैं, कहते हैं कि मात पिता मिल जाएंगे, लख 84 माँ और सतगुर सेवा, और ये बंदगी भाई फेर मिलन की ना। यदि हम मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, परम संत हमें नहीं मिलता है, या हमारी भक्ति में रुचि नहीं होती है और हम संसारी कार्य ही करते रहते हैं, माता पिता संतान संपत्ति में ही लिप्त रहते हैं, उसके लिए परमात्मा हमें आगाह करते हैं कि मात पिता तो भाई आगे हर योनि में तुम्हें प्राप्त होंगे। जैसे पशु पक्षी की योनि में जाओगे, वहाँ भी मात पिता मिलेंगे। यही ममता होगी, इसी तरह आपका लगाव होगा एक दूसरे में। लेकिन मानव शरीर के अंदर मात पिता भी होंगे और साथ में परमात्मा प्राप्ति भी हो सकती है।
तो वो शुभ समय और ये एक पुण्यमय शरीर आपको प्राप्त हुआ है, इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। मानव जीवन को सफल करने के लिए सत्संग में आना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। सत्संग में आने से हमारे बहुत पुण्य इकट्ठे होते हैं, हमारे ऊपर युगों युगों के ना जाने कितने पाप कर्मों का दबाव है, ना जाने कितने पाप कर्म हमने इकट्ठे कर रखे हैं। उन पापों को नाश करने की बहुत सी अन्य काफ़ी तरीके परमात्मा ने बताए हैं, उन सभी को हमने अपनाना पड़ेगा। हमारे कुछ इस टाइप के पाप होते हैं जो परमात्मा के प्रवचन से, परमात्मा की अमर वाणी के सुनने मात्र से ही वो नाश हुआ करते हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो दान करने से उनका नाश होता है। कुछ पापों की ऐसी वैरायटी होती है कि जो नाम के सिमरण से ही समाप्त हुआ करते हैं। कुछ इस प्रकार के पाप होते हैं जो संत यानी सतगुरु के दर्शन करने से ही नष्ट होते हैं, उनका और कोई विकल्प नहीं होता। तो इसलिए हमने सभी को अपनाना पड़ेगा और तभी हम सफल हो पाएंगे। परमात्मा कबीर देव जी चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में आकर के एक लीला करते हैं। इस भक्ति पर लगे हुए मानव को जो दिशा दिग्भ्रष्ट होकर के शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा होता है, उस भ्रमित प्राणी को परमात्मा यथार्थ भक्ति ज्ञान दे करके उनका उद्धार करने के लिए यहाँ आते हैं। काल भगवान जो यहाँ का प्रभु है, 21 ब्रह्मांड का जो स्वामी है, इसको ब्रह्म बोलते हैं वेदों में और लोक वेद के आधार से ये ब्रह्म कहलाता है। और संत भाषा में इसका नाम ज्योति निरंजन है, इसको काल भी कहते हैं। इस काल को 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को खाने का श्राप लगा हुआ है और जिस कारण से ये हमें यहाँ पर भ्रमित रखता है कि कहीं ये अपने स्वलोक चले जाएं और मेरी अक्षुधा कैसे मिटेगी, इस उद्देश्य से ये प्रत्येक प्राणी को शास्त्र विधि त्याग कर मनमाने आचरण यानी मनमानी साधना भक्ति पर लगाए रखता है, भ्रमित रखता है। सदग्रंथों का यथार्थ ज्ञान भी ये मानव तक नहीं आने देता है। सदग्रंथों में वर्णित कुछ होता है, ये प्रचार अपने दूतों द्वारा कुछ ही करवा देता है और भोली आत्माएं फिर उन अज्ञानी जो काल के दूत ऋषि महर्षि ब्राह्मण गुरु मुल्ला काजी होते हैं उनसे लोक वेद सुनकर के उस पर आधारित हो जाता है। अपने सदग्रंथों के अनुसार साधना ना करने से मानव जीवन नष्ट कर जाता है, क्योंकि इस काल भगवान ने ऐसा जुगाड़ जोड़ दिया। प्रत्येक मानव शरीरधारी प्राणी को परमात्मा की चाह तड़फ है और उसके लिए इतना भी ज्ञान है कि गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। और फिर हम ये भी सुना करते थे, भाई कोई भी संत साधु अगर आ जावे उसका अनादर नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी वेशभूषा में हो, गरीब अमीर बोला बाला सा, उसको भी उसका भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कहा करते ना जाने भगवान किस वेश में आ जा। हम ये भी सुना करते थे कि ना जाने भगवान किस रूप में आ जाता है। तो परमात्मा चारों युगों में घूमते रहते हैं, प्रत्येक युग में एक विशेष जीवन रहकर एक लीला करके जीवन की सहशरीर आते हैं, सहशरीर चले जाते हैं और प्रत्येक युग में एक ऐसी लीला करते हैं जैसे जन साधारण अपना